लेकिन हमने तय किया है अभी तो प्रदेश के 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। सरकार बनने दीजिए, अगले 5 वर्ष के अंदर 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। अभी ये डबल इंजन की सरकार बनने दीजिए, अभी तो डबल डोज राशन की दे रहे हैं, होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस भी देने जा रहे हैं। परेशान है सब, सपा के लोग परेशान है, वहां चाचा भतीजा इस बात के लिए परेशान है कि अगर एक कमाई उनकी बंद हो गई तो फिर कहां जाएंगे लोग, क्योंकि आज जो पैसे हम लोग एक्सप्रेस हाईवे में, डिफेंस कॉरिडोर में, घर घर नल जल, हर घर नल योजना में, अर्जुन सहायक परियोजना में, केन बेतवा लिंक जोड़ो, नदी जोड़ो कि मैं जो पैसा खर्च कर रहे हैं, गरीब के लिए मकान बनाने में खर्च कर रहे हैं, किसान के उत्थान के लिए कर रहे हैं, कन्या सुमंगला में खर्च कर रहे हैं, भाइयों बहनों ये पैसा पहले भी था, लेकिन पहले यही पैसा इनका इत्र वाला मित्र लेके चला जाता था, और उस इत्र वाले मित्र के लिए ही हम लोगों ने बुलडोजर भी निकाला है, एक नया बुलडोजर। अब सड़क भी नहीं बनाता बल्कि माफियाओं की छाती में भी बहुत अच्छे तक से तरीके से चलता है। भाइयों बहनों मेरी आप सबसे अपील है, मेरी आप सबसे अपील है कि 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, डबल इंजन की सरकार बने। आप सभी लोग सहमत हैं? याद रखना, मेडिकल कॉलेज, हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की दिशा में सरकार कार्य करने जा रही है। 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे। कितने बने थे? और 5 वर्ष में हमने बनाए हैं 33 नए मेडिकल कॉलेज। कितने? 33। और अब हम लोगों ने कार्रवाई शुरू करी, 2 साल तो कोरोना ने हमारे खराब कर दिए।